तो आज ना हम ईशो का ड्राइंग चीपेस्ट मेकअप हॉल करने वाले हैं। तो मेरे पास इतना सारा का सारा मेकअप है और इन सबको आज हम ट्राई करने वाले हैं इस मेकअप लुक के साथ। तो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना। और ये मैंने ना दुर्गा पूजा लुक भी करा है, साथ ही साथ ना मीशो का मेकअप भी हम चेक कर लेंगे और साथ ना दुर्गा पूजा लुक भी हो गया। तो आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई मेकअप कैसा लगता है, बहुत मेहनत करी है यार, प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। ओके तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो गाइज आज ना हम इस सारे मेकअप को, जो भी ये मेकअप है ना मीशो का मेकअप, इसको हम सारा ट्राई ऑन करने वाले हैं, मतलब किस तरीके से काम करता है ये। और उसके साथ साथ मैं इस मेकअप से ना एक दुर्गा पूजा लुक भी क्रिएट कर रही हूँ, तो दोनों साथ में हो जाए। सारा का सारा मेकअप है इसमें, बहुत सारा मेकअप है, लाइक मुझे उठाया भी नहीं जा रहा, इतना हैवी है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके तो गाइस फर्स्ट हम बात करते हैं ना, यहाँ पे मेरे पास प्राइमर है, ये हिलैरी रोडा का प्राइमर है और इसको ना ट्राई करके देखते हैं। इससे पहले मैंने इसको ट्राई नहीं करा है कि किस तरीके से है, बहुत ही अफोर्डेबल है। आई थिंक इसकी प्राइस, मुझे किसी की प्राइस याद नहीं है। अगर आपने पहले वाला वीडियो, उसका हॉल वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, मैं इसमें किसी की भी प्राइस नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है और वीडियो उससे बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, इसलिए मैं किसी की प्राइस नहीं बताने वाली हूँ, सीधा हम इसका रिव्यू करेंगे। तो ये हिलैरी रोडा का प्राइमर है और क्वांटिटी बहुत अच्छी है, जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी है, लाइक आप देख सकते हो ना जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी है, लेकिन साथ ही साथ ना हाइड्रेट भी करता है आपकी स्किन को, बहुत ही अच्छे से स्मूथ एंड हाइड्रेट करता है, लाइक वाओ, इसको छूते ही इतना अच्छा लग रहा है ना। बट इसमें से ना हल्की सी वियर्ड स्मेल आती है, मतलब वियर्ड नहीं कहूँगी मैं इसे यार, मतलब ठीक है स्वीट सी स्मेल आती है, ज़्यादा इतनी बुरी स्मेल नहीं है। वैसे मैंने देखे हैं तो अधिकतर मेरे जो प्राइमर्स है ना उनमें कोई स्मेल नहीं है, बट इसमें थोड़ी सी स्मेल है जो कि वियर्ड नहीं है, बट ये ठीक है, मतलब जेल बेस है, बहुत ही अच्छे से स्मूथ कर रहा है और साथ ही साथ ना हाइड्रेशन भी दे रहा है। तो ऑयली स्किन प्लस ड्राई स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसको ट्राई कर सकते हो आप, बहुत प्यारा है। साथ ही साथ इसकी क्वांटिटी भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है। ओके तो गाइस इसके बाद हम ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ और इसमें जो मेरा शेड है ना वो नेचुरल प्लस येलो, हाँ नेचुरल प्लस येलो मेरा कुछ शेड है इसमें। और इसमें ना इसका कुछ ऊपर से वो कैप नहीं आया है, सिर्फ यही आया है, तो मतलब थोड़ा सा मेसी भी हो रहा है यहाँ पे देखो। ओके तो गाइस अब इसको ना हम यहाँ पे एक साइड में ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अप्लाई करेंगे और दूसरी साइड में इसको ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस साइड ना अपने ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही मस्त मक्खन की तरह ब्लेंड हो गया यार, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी स्किन का ना बिल्कुल डिटो मैच है, ये बिल्कुल मैच है मेरी स्किन का। और इस साइड में ना हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से होता है इस तरफ से ना, तो अच्छे से देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छे से ना ब्लेंड हो गया, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया, स्किन का बिल्कुल डिटो मैच मिला मुझे। पहली बार मेरी स्किन का ना मैच मुझे फाउंडेशन मिला है, वरना मैंने कभी मैच नहीं मंगवाया। तो देखते हैं, आपको हमेशा ना डॉट डॉट फॉर्म में ही अप्लाई करना है, वरना क्या होता है ना आपका फाउंडेशन अगर ज़्यादा अप्लाई हो जाता है ना मेकअप आपका ना कीकी हो जाता है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखो कि हमेशा डॉट डॉट के फॉर्म में ही आपको मेकअप को अप्लाई करना है, मतलब फाउंडेशन को अप्लाई करना है। तो दोनों ही तरफ इसने अच्छी कवरेज दी है, बट ना मतलब मुझे ना ब्रश से ब्लेंड किया हुआ ज़्यादा बेटर लग रहा है कंपैरेटिवली इससे, पता नहीं क्यों ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है, मुझे ब्रश वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इसको ना मैं थोड़ा सा और बिल्ड करके देखती हूँ कि किस तरीके से इसका कवरेज आता है, हल्का सा बिल्डेबल और कर रही हूँ मैं। नो डाउट यार ब्लेंड तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है, मतलब बहुत ही इजीली वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बट ना बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है, तो बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है यार, बहुत ही कम कवरेज नहीं कहूंगी मैं, बट ठीक है मीडियम कवरेज है, लो कवरेज नहीं है बट मीडियम कवरेज है, हाई कवरेज आपको प्रोवाइड नहीं करता है ये। ओके तो गाइस इसके बाद ना हम आते हैं यहाँ पे हमारे कंसीलर पे। तो कंसीलर के लिए यहाँ पे मेरे पास है इनसाइड का ये कंसीलर, तो इसको हम ट्राई करते हैं। मैं बहुत टाइम से इसको लेने का सोच रही थी, तो इसमें जो मेरा शेड है ना वो मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं आप स्क्रीन पर दिखा दूंगी आपको कौन सा शेड है मेरा। तो इस तरीके से क्रीम कंसिस्टेंसी में आता है, लाइक बहुत ही मस्त कंसिस्टेंसी है और मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे स्किन के अकॉर्डिंग ही जाएगा, लाइक बिल्कुल मैच है मेरी स्किन का ये। तो इसको ना मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये ब्यूटी ब्लेंडर्स है जो मैंने ऑर्डर करे थे मीशो से ही, उनका यूज़ कर रही हूँ, उसको मैं वेट कर चुकी हूँ, इसी से मैं बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, तो इसी से ब्लेंड करते हैं आज हम। मस्त तो बहुत ही अच्छे से इसने ब्लेंड करा है, उसकी कवरेज आप देख सकते हो, लाइक कितनी मस्त और कितनी ज़्यादा हाई कवरेज है,
₹100 में इतना अच्छा मतलब, और क्रीज अगर आपने इसको सेट नहीं किया ना तो क्रीज तो करेगा ये, बट बाकी बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा। तो गाइस हम ना अब इन सबको सेट करने पे आते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे पास दो है, एक कॉम्पैक्ट पाउडर है एलेटीन का, एंड यहाँ पे एक ना एसएफआर का सेटिंग पाउडर है। इसको आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, तो इसको आज मैं नहीं यूज कर रही हूँ, आज हम इसको यूज कर रहे हैं और मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। अभी तक मैंने इसको ओपन भी नहीं करा है कि किस तरीके से है ये। तो कुछ इस तरीके से पैकेजिंग बहुत ही मस्त है, बहुत प्यारी सी और ना क्यूट सी सिंपल सी पैकेजिंग थी, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। बट का जो पैन है ना शेड बहुत लाइट है, सच लाइट, बहुत ज्यादा लाइट है ये, बहुत ज्यादा लाइट है। इस पर ना शेड लिखा हुआ नहीं है बट बहुत ज्यादा वाइट है, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा वाइट है। तो ठीक है, इसको ट्राई तो करते हैं। बहुत ही प्यारी चेरी स्वीट सी स्मेल है, बहुत प्यारी स्मेल है। तो इसको ना मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूंगी, बहुत ज्यादा पाउडरी है ये, बहुत ज्यादा पाउडरी है बापरे। कॉम्पैक्ट की हम बात करें ना तो जैसे इसका शेड लग रहा है लाइक बहुत ही लाइट शेड है, बहुत ज्यादा लाइट शेड है, बट ना ये फेस पे लगने के बाद लाइक आपको कुछ लग रहा है क्या? कुछ भी नहीं लग रहा है ना। तो ये बहुत ही मीडियम, लो टू मीडियम कवरेज आपको दे देता है। आप ना अगर अंडर 18 है ना, 18 मतलब बहुत ही टीनेज है, छोटे 15-16-17 साल के हैं, तो आपके लिए ना बेस्ट है, बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें शेड की आपको जरूरत भी नहीं, बट ना बहुत ज्यादा पाउडरी है ये, देखो मतलब बहुत ज्यादा पाउडरी है ये, और कवरेज भी ना मतलब इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं देता है। तो मेरी तरफ से ना 50-50 मार्क्स में इसको दूंगी, आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। नेक्स्ट है ये सेट तो कर रहा है, मतलब सेट तो कर ही रहा है, ट्राई जरूर दे सकते हो एक बार। ओके तो गाइज आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो आज आई मेकअप में ना गाइज हम हिलैरी रोडा की इन दोनों पैलेट्स का यूज़ करेंगे, दोनों पैलेट्स का साथ में यूज़ करेंगे। तो पहले हम इस पैलेट को यूज़ करते हैं। ओके तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पे ना पिंक ऑरेंजिश इस तरीके का ना मिक्स सा कलर था उसको लिया मैंने, और अपने आउटर वी पर उसको पेंसिल ब्रश की हेल्प से लगाया, और फिर ना एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से स्मज आउट कर लिया आगे की तरफ। मैंने पूरी आईलिड पर नहीं लिया है उसे, सिर्फ हाफ मतलब बाहर के जो वी होता ना आउटर वी, वहीं पे मैंने उसको ब्लेंड करा है। फिर इनर वी पे मैंने उसको पेंसिल ब्रश की हेल्प से सेम कलर को मैंने उसको ब्लेंड करा वी बनाते हुए। बीच की आईलिड मैंने जो मिडिल आईलिड थी उसको छोड़ दी, और अब यहाँ पे ना ये गोल्डन कलर पेस्ट कर रही हूँ। लाइक देखो कितना खूबसूरत कलर है, इतना ओपेक सी पिगमेंटेशन है इसकी, सिर्फ वन स्ट्रोक मतलब एक ही बार में इतना मस्त लगता है। बहुत बहुत हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से ये वाले आई शेडो पैलेट्स। ओके तो गाइज इसके बाद हम बात करते हैं आईलाइनर और मस्कारा का। तो यहाँ पे मैंने 36 आवर्स का जो आईलाइनर मस्कारा आता है ना लाइक स्मज प्रूफ होता है, मतलब बिल्कुल निकलता नहीं है, स्मज प्रूफ भी होता है, वाटर प्रूफ भी होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो ये निकलता नहीं है इतना मुझे इसके बारे में पता है, और बहुत ही अच्छी इसकी पिगमेंटेशन भी होती है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, देख सकते हो इसकी टिप कितनी प्रिसाइज है, मतलब बहुत ही मस्त टिप है इसकी, वाओ कितने प्रिसाइजली आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल जेट ब्लैक है ये, बहुत प्यारा है। तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है ये। मतलब इसकी जो टिप है ना बहुत प्रिसाइज है, बहुत बहुत ज्यादा पतली है, जिससे हम बहुत ही अच्छा सा विंग किसी भी तरीके का ना विंग क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को ये, हाईली रिकमेंड करती हूँ। ओनली ₹121 के मेरे को दोनों मिले हैं। तो यहाँ पे मस्कारा हम ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करने के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैंने इतने टाइम तक इसको अभी तक ट्राई नहीं करा था, क्योंकि इसका जो वॉन्ट है ना, वॉन्ट देखो कितना मस्त वॉन्ट है, बहुत ही फाइन सा वॉन्ट है। तो गाइस आप देख सकते हो ना मतलब कितना मस्त वॉल्यूम दिया है इसने, मतलब मेरी लैशेज ना, एक चीज़ और शेयर करना चाहूंगी, मेरी जो लैशेज है ना वो बहुत ज्यादा वैसे भी मतलब बहुत ज्यादा है, ऐसे बहुत अच्छी खासी लैशेज हैं, तो मेरे पे ना बहुत अच्छा वर्क करा है इसने। बट अगर आपकी लैशेज बहुत कम है और मतलब ऐसे ना के बराबर लैशेज है आपकी, तो आपके लिए ये नहीं है, मतलब आपके ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप हो ना तो आपके ऊपर सिर्फ ना ये कोट करने का और हल्का सा ना सेपरेट करने का काम करेगा। तो गाइस इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मेरे पास काजल पे। तो यहाँ पे ना मेरे पास मिस क्लेयर का काजल है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत ही पतला सा और छोटा सा है, कुछ इस तरीके से है। और इसके बाद इसको मैंने यूज करा है, तो इसके बारे में आपको दिखा बता सकती हूँ कि किस तरीके से है। काजल ना बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा ब्लैक भी है। आपको कैमरा पे ना थोड़ा फेड दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा कैमरा है ही ऐसा, थोड़ा सा फेड दिखाता है, बाकी ये ना बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत अच्छा ब्लैक काजल है ये। बट ये ना बहुत ज्यादा टाइम स्टे नहीं करता, लाइक आपकी आंखों पे ना स्टे करेगा लाइक
2 से 3 घंटे तक ही ये स्टे करेगा, उसके बाद ना ये फैलना या फिर ना वॉश अप हो जाए, मतलब गायब भी हो जाएगा बिल्कुल आपकी आंखों से। तो कुछ इस तरीके से ये इसको अप्लाई करते हैं, और वन स्ट्रोक भी बिल्कुल नहीं है, 2 से 3 बार ना इसको अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये अप्लाई होगा। तो कुछ इस तरीके से है, बहुत ही अच्छा काजल है, मतलब बजट में अंडर मेरे को आई थिंक ना पता नहीं, मुझे याद नहीं, बट आई थिंक 50 और 60 रुपीज अराउंड का मुझको ये मिला है। स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दूंगी मैं आपको। ओके, तो गाइज अब बात कर लेते हैं आईब्रोज की। तो यहाँ पे मेरे पास ये सेकंड पेंसिल है, वरना इससे पहले मेरे पास सिर्फ एक ADS की पेंसिल है, वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और ये स्विस ब्यूटी की है, जो कि मैंने मतलब मैं ना पेंसिल्स वगैरह आईब्रो के ऊपर इतना सा अलग से खर्चा नहीं करती, लाइक जितना हो सके ना आप पैसे बचाने की ही कोशिश करो। तो मैं ना कभी भी आईब्रो वगैरह के लिए अलग से कुछ खरीदती नहीं थी, बट इस बार मैंने सोचा क्यों ना बजट में है तो लिया जाए। तो ये मेरे को ना कुछ 50 और 60 रुपीज का मेरे को मिल गया, बहुत ही अच्छी उसकी पैकेजिंग ना मैट फिनिश देती है, बिल्कुल मैट सी फिनिश देती है, बहुत अच्छी लगती है मेरे को पैकेजिंग। तो वर्क करने में कैसा है, इसके ऊपर ना इस तरीके से स्पूली भी दी गई है, तो इससे ना आप कॉम दिया गया है, इससे आप ब्राउज को ना कॉम कर सकते हो, और ये कुछ इस तरीके की है, डिसेंट है, अच्छी है, ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, और ये इसकी बेस्ट बात है, मतलब ज़्यादा पिगमेंटेड होनी भी नहीं चाहिए, वरना पूरा ब्लैक ब्लैक या ब्राउन ब्राउन कर लोगे आप। तो अच्छी लगी, इसने अच्छे से फिल कर दिया, सब कुछ फिल कर दिया, बहुत ही प्यारी। बट ना इसके साथ मुझे एक प्रॉब्लम लगती है, इसके साथ अगर ब्रश मतलब शॉर्पनर भी आ जाता ना तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि अच्छा, आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो यार, लाइक 50 और 60 रुपीज़ में तो कुछ नहीं जा रहा है। ADS की जो है ना वो भी इतने में ही आती है, और बहुत ही प्यारी है, स्विस ब्यूटी की होने के बाद भी बहुत प्यारी है, बहुत ही अच्छे से इसने ना फिल कर दी है मेरी आईब्रोज को, तो मस्त है, इसको ट्राई कर सकते हो आप। तो आप चाहो तो आईलैशेस लगा सकते हो, मैंने ऑफ कैमरा ही आईलैशेस लगा ली, तो कैसे लग रही है, मतलब आईलैशेस लगाने के बाद ना पूरे आई लुक का ना लुक आ जाता है, बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद ना मैंने स्मच नहीं करा नीचे की तरफ, तो आपको ना आपकी लोअर लैश लाइन पर भी ना स्मच करना ज़रूरी है वैसे, अगर आपको क्लीनली चाहिए ना, मैं कभी कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही क्लीन मेकअप चाहिए होता है ना डे का, तो डे में मैं नहीं करती हूँ, बट अगर नाइट फंक्शन है और बहुत ही ज़्यादा हैवी फंक्शन होते हैं ना, तो उसमें तो आपको करना ही चाहिए, तो इसलिए मैं नीचे ना स्मज आउट कर रही हूँ हल्का सा, जो हमने ऊपर कलर लिया था पिंक, यही वाला कलर मैं नीचे भी ले रही हूँ। तो गाइस फेस मेकअप के लिए ना मेरे पास यहाँ पे है एंजल रोज का ये पैलेट, मैंने ना किस ब्यूटी की एक कॉन्टोर और हाइलाइटर स्टिक भी मंगाई थी, बट वो मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं, आपने नहीं देखी तो मेरे शॉर्ट वीडियोस में आप जाके देख सकते हो, कैमरा ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, बट आपको ना यहाँ पे दिख रहा होगा इस पे ना एंजल रोज दिखा हुआ है, इन सभी के अंदर ना एंजल रोज दिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत मस्त है। ये हाइलाइटर है 1, 2, 3, या ये 2 आपको हाइलाइटर आपको मिल जाएंगे, बहुत ही मस्त हाइलाइटर है ये, देखो बहुत प्यारे हाइलाइटर है ये, थोड़ा सा ना ब्राउनिश टोन के लिए अच्छा है, मतलब मुझ पर नहीं जाएगा, और मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे ब्लश है जो भी बहुत मस्त है, मतलब कितना प्यारा सा ब्लश है यहाँ पे, और ये ना कॉन्टोर है जो कि बहुत लाइट है, एक सच में बहुत लाइट है, मुझे नहीं लगता मुझ पर जाने वाला है ये, तो ये मुझ पर नहीं जाएगा, तो इसको मैं एज अ कॉन्टोर यूज़ करने वाली हूँ आज। बहुत ज़्यादा प्यारा पैलेट है, आई थिंक 120 रुपीज़ का मेरे को मिला है, तो 120 में तो बेस्ट है, मतलब बेस्ट bomb.com है, 120 रुपीज़ में इससे ज़्यादा बेस्ट तो आप क्या ही ढूंढोगे, तो बहुत प्यारा है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो गाइज आज ना हम लिपस्टिक के लिए मैं मिनी लिपस्टिक को यूज़ करने वाली हूँ, तो इसमें से ना मैं पहले सोच रही थी कि न्यू लिपस्टिक ट्राई करूँ, बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रेड ट्राई करी जाए, तो इसका ना बहुत ही प्यारा सा रेड कलर मैं ले रही हूँ, तो देखते हैं कैसे वर्क करती है। मैंने इसको लगाया है, बहुत ज़्यादा देर के लिए स्टे नहीं करती है ये, बट 1 से 2 घंटे आपकी लिप्स पे बहुत ही इजीली रह जाएगी, बट इससे ज़्यादा ये स्टे नहीं करेगी ये, तो इसको आपको रीअप्लाई करना होगा। तो कुछ इस तरीके से इसका कलर है, ये ना अभी कैमरा में बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, बट ना ये बहुत डीपर रेड कलर, लाइक ब्लड रेड कलर आपने देखा है ना, उस तरीके का रेड कलर है ये, बहुत ही प्यारा सा रेड है,
वो ट्राई जरूर कर सकते हो आप, बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है, बट ज्यादा देर स्टे नहीं करती है, 2 से 3 घंटे आराम से स्टे करेगी आपके फेस लिप्स पे। अगर कुछ नहीं खाते हो ना तो 4 से 5 घंटे चल जाएंगी, बट अगर आप कुछ खाते हो या फिर ऐसा कुछ तो ये नहीं स्टे करेगी, रीअप्लाई आपको करना पड़ेगा। बट ना बहुत ही कॉम्पैक्ट सी, छोटी सी है ना, तो आप इनको ना जेब में रखकर भी ले जा सकते हो, इतनी प्यारी सी है ये, तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो आप। बहुत ही मतलब मेरे को प्राइस याद नहीं है यार, आपने नहीं देखी देखी हो ना तो मेरे पिछले वाले हॉल में आप जाके देख सकते हो। बहुत ही प्यारे न्यूड से कलर है इसका यार, ये कलर मेरे को बहुत प्यारा लगता है। ये ना थोड़ा सा ब्राउन एंड ब्राउन टोन का शेड है, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत खूबसूरत, बहुत मस्त है ये, बहुत प्यारी लिपस्टिक्स है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सी छोटी सी लिपस्टिक्स है। तो